तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ भगत ताराचंद के थाली का। मैंने स्विगी से ऑर्डर किया है, तो ये अराउंड 380 पड़ा है मुझे। एंड इसका कुछ 380 है पर थाली। एंड मुझे 808 मेरा टोटल बिल है, ये 809 का। तो अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, तो चलिए देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैक होके आया था और हमने दो थाली मंगाई है, तो मैं थोड़ा बहुत तो आने में खुशा भी एक्साइटेड है खाने के लिए। यस यस वेट। इसकी थाली तो मोस्टली हम लोग वहाँ जाके खाते तो हमें तो अच्छी लगती है, बट अगर हम लोग मंगाएंगे तो हमें लिमिटेड ही खाने मिलेगा। तो ये थाली हम लोग अगर वहाँ जाके खाते हैं तो हमें अनलिमिटेड है, बट अगर हम लोग यहाँ पे मंगाएंगे तो इतना, बट आई थिंक एक जन के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। इसकी दाल, इसकी स्पेशलिटी जो है वो इसकी रोटी और इसकी दाल है। इसकी जो चपाती आती है घी वाली एंड द दाल विद ऑनियन का तड़का। तो ओपन करते हैं। ये मैंने कर लिया है ओपन, थोड़ा संभाल के ही करना आप लोग, जैसे कि ये वाओ कृषा का पहले ही आवाज आ गया। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये है पनीर की सब्जी एंड दिस इज आई थिंक ये कोफ्ता है, ये कोफ्ता मसाला है। एंड दिस इज दाल एंड दिस इज आलू मेथी विद इमली की चटनी, जीरा राइस, गुलाब जामुन एंड माय फेवरेट चपाती। इसकी अराउंड 2 चपाती हम लोगों ने दिया है इसमें, देखते हैं कितने चपाती से। और ये ऑनियन और लेमन आया हुआ है अलग से सैलड एंड चपाती। पहले देखते हैं हम ये कितने दिए हैं हमें। ओके ओके 1, 2 एंड 3, ओके 3 चपातीज हैं। एंड ये भी कुछ आया हुआ है, देखते हैं क्या है। ओके ये है इनका कुछ स्टार्टर, आप समझ सकते हो ये है दही वड़ा टाइप कुछ है। या ये कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग है, दही वड़ा समथिंग चाट, चाट है समथिंग लाइक चाट। और ये है इसकी छाछ, छाछ भी ये लोग एक ग्लास देंगे जो कि ऐसे पैकेट में आएगा। तो ये कृषा ने खाना शुरू कर दिया है और एक्चुअली बहुत ही यमी है। और पापड़ भी इसके साथ आया है, मैंने 2 थाली मंगाया तो 2 पैकेट पापड़ आया है, जिसमें एक पापड़ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक पापड़ है, वो आने में थोड़ा टूट गया है, सो ये एक पापड़ है। ऑल दो थाली बहुत अच्छी है, यमी है, एक जन के लिए काफ़ी है क्योंकि 3 रोटी है। और अब हम खाते हैं क्योंकि कृषा भी बहुत एक्साइटेड है। सो नाइस थाली भगत ताराचंद का, टेस्ट तो ऑलवेज नाइस। सो अब खाते हैं एंड शुरू करते हैं। बाय बाय।